प्लूटो हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह है, जिसकी खोज 1930 में की गई थी। 2006 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन्स मिशन लॉन्च किया, जिसने 2015 में इसके फ्लाईबाई को अंजाम दिया, जिस दौरान इस मिशन ने प्लूटो के सरफेस, एटमॉस्फेयर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन किया। धरती से लॉन्च किए जाने के करीब 15 सालों बाद न्यू होराइजन्स मिशन अब हमारे सूर्य से करीब 50 AU की दूरी को पार कर चुका है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि किसी प्रकार के सिग्नल को न्यू होराइजन्स मिशन से हमारी धरती तक पहुंचने में करीब 6.5 घंटों का समय लग जाता है। ये वर्तमान समय में हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी में मौजूद 5वां स्पेसक्राफ्ट है। इस मिशन को खास बनाने के लिए न्यू होराइजन्स मिशन ने अपने कैमरे वोयेजर 1 मिशन की ओर घुमाए और इसके स्टार फील्ड की तस्वीरें ली। ये पहली बार था जब कोई स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर ले रहा था। ऐसे में आखिर न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो पर क्या खोजा, कैसे इसने वोयेजर 1 की तस्वीरें ली और वो कौन से मिशन है जो कि स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, इस वीडियो में हम वो सब कुछ जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद नेपट्यून ग्रह से परे एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जहां कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और विशालकाय एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। इस रीजन को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसकी खोज 1930 में की गई थी। खोज के समय प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, पर जब हमने धीरे धीरे हमारे सौरमंडल के बारे में और जानना शुरू किया, तब हमें पता चला कि प्लूटो की तरह ही हमारे सौरमंडल में सैकड़ों प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में 2006 में आखिरकार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। प्लूटो हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने और तस्वीरें लेने में नाकाम रहा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में मौजूद कुइपर बेल्ट और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन्स मिशन पर काम करना शुरू किया। न्यू होराइजन्स मिशन को जनवरी 2006 में एटलस 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद ये स्पेसक्राफ्ट अप्रैल 2006 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट और फरवरी 2007 में हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के करीब से होकर गुजरा। जुपिटर ग्रह के फ्लाईबाई के दौरान इसने जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी का उपयोग करते हुए ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक के जरिए अपनी स्पीड को बढ़ाने का काम किया, ताकि ये आउटर सोलर सिस्टम तक अपना बेहद ही लंबा सफर तय कर सके। करीब 9 सालों के लंबे सफर के बाद जनवरी 2015 में न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो की तरफ अपने अप्रोचिंग फेज की शुरुआत की, जिसके बाद जुलाई 2015 में ये स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के सरफेस से केवल 7,800 किलोमीटर ऊपर से होकर गुजरा, जिस दौरान न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस और उसके मून्स का बेहद ही करीबी से अध्ययन किया। प्लूटो के सरफेस की सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि इसके सेंटर में मौजूद करीब 1000 किलोमीटर विशाल हर्ड शेप्ड नाइट्रोजन ग्लेशियर, जो कि हमारे सौरमंडल में खोजा गया अब तक का सबसे विशाल ग्लेशियर है। शुरू में माना जाता था कि प्लूटो एक आइसी ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि लाखों सालों से इनएक्टिव है, पर न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला है सूर्य से बेहद ही दूर होने के बावजूद प्लूटो एक एक्टिव सोलर बॉडी है जहां एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। वैज्ञानिकों को यहां सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन आइस से जमे हुए कई किलोमीटर विशाल पहाड़ों का भी पता चला है। साथ ही काफी संभावना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। प्लूटो के फ्लाईबाई को अंजाम देने के बाद न्यू होराइजन्स मिशन धरती से 6.4 बिलियन दूर कुइपर बेल्ट में मौजूद अपने अगले टारगेट एरोकोट की ओर बढ़ गया। इस फ्लाईबाई का मुख्य उद्देश्य इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के सरफेस जियोलॉजी, सरफेस टेम्परेचर, सब सरफेस और इसके किसी सैटेलाइट या रिंग्स का अध्ययन करना था। करीब 4 सालों के लंबे सफर के बाद आखिरकार जनवरी 2019 में न्यू होराइजन्स इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचा। फ्लाईबाई के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट एरोकोट के सरफेस से मात्र 3,500 किलोमीटर ऊपर से होकर गुजरा, जिस दौरान स्पेसक्राफ्ट ने इस रेडिश स्नोमैन लाइक शेप्ड ऑब्जेक्ट का करीबी से अध्ययन किया। प्लूटो और एरोकोट एस्ट्रॉइड के फ्लाईबाई को अंजाम देने के बाद न्यू होराइजन्स मिशन अब कुइपर बेल्ट में अपने अगले टारगेट की खोज में लगा हुआ है। न्यू होराइजन्स मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक वर्तमान समय में इसके अगले टारगेट की खोज में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने कई ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की मदद से कुइपर बेल्ट में मौजूद कई ऑब्जेक्ट्स की पहचान की है।
ऐसे में वैज्ञानिक जल्द ही कुइपर बेल्ट में मौजूद न्यू होराइजंस मिशन के अगले टारगेट की घोषणा कर सकते हैं। धरती से लॉन्च किए जाने के करीब 15 सालों बाद न्यू होराइजंस मिशन अब हमारे सूर्य से करीब 50 AU की दूरी को पार कर चुका है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि किसी प्रकार के सिग्नल को न्यू होराइजंस मिशन से हमारी धरती तक पहुंचने में करीब 6.5 घंटों का समय लग जाता है। ये वर्तमान समय में हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी में मौजूद 5वां स्पेसक्राफ्ट है। इसके अलावा पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही ऐसे मिशन हैं जो कि हमारी धरती से इतनी ज्यादा दूरी पार कर चुके हैं। पायोनियर 10 मिशन को 1972 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार कर जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना, जिसके बाद 1990 में यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सूर्य से 50 AU की दूरी को पार करने वाला पहला मिशन बना। पायोनियर 10 मिशन वर्तमान समय में हमारी धरती से करीब 129 AU की दूरी पर मौजूद है। वहीं 1973 में इसके जुड़वा पायोनियर 11 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि जुपिटर ग्रह के बाद शनि ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। पायोनियर 11 मिशन ने 1991 में हमारी धरती से 50 AU की दूरी को पार किया और ये वर्तमान में हमारी धरती से 105 AU की दूरी पर मौजूद है, जिसके बाद 1977 में पायोनियर मिशनों की तर्ज पर हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को लॉन्च किया गया। इन मिशनों का मुख्य मकसद हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस जैसे ग्रहों और उनके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। पर अपने प्राइमरी मिशनों को अंजाम देने के बाद अब ये मिशन हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी हीलियोपॉज को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। वॉयेजर 1 मिशन अगस्त 2012 में हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी हीलियोपॉज को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और ये वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी से करीब 152 AU की दूरी पर मौजूद है। वहीं इसके जुड़वा वॉयेजर 2 मिशन ने नवंबर 2018 में हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और ये वर्तमान समय में हमारी धरती से 127 AU की दूरी पर मौजूद है। वॉयेजर मिशनों को मानव इतिहास के अब तक के सबसे सफल मिशनों में से एक माना जाता है, जो कि आज करीब 43 सालों बाद भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये मिशन 2025 तक हमारे संपर्क में रहेंगे, जिसके बाद इन्हें इस ब्रह्मांड का अंतहीन सफर अकेले ही करना होगा। 1990 में वॉयेजर 1 मिशन हमारी धरती से करीब 40 AU की दूरी को पार कर चुका था। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस खास मौके पर स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को इनर सोलर सिस्टम और हमारी धरती की ओर मोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद वॉयेजर 1 ने हमारे इनर सोलर सिस्टम की एक मोज़ेक तस्वीर ली, जिसे फैमिली पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर में हम हमारे सौरमंडल के 6 प्लैनेट्स वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस ग्रहों को साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे में जब नासा के न्यू होराइजंस मिशन ने 17 अप्रैल को हमारे सूर्य से 50 AU की दूरी को पार किया, तो वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 की तरह ही इस खास मौके पर इसके कैमरे से तस्वीर लेने का फैसला किया। पर सूर्य से 50 AU की दूरी को पार कर चुका न्यू होराइजंस मिशन वॉयेजर की तरह हमारे इनर सोलर सिस्टम की तस्वीर नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर इसके लॉन्ग रेंज रिकॉग्नाइजेंस इमेजर को हमारे इनर सोलर सिस्टम की ओर मोड़ा जाता तो सूर्य के ब्राइटनेस से इसके कैमरे को नुकसान हो सकता था। ऐसे में न्यू होराइजंस मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल को पार कर चुके वॉयेजर 1 मिशन की तस्वीर लेने का फैसला किया। ये पहला मौका था जब स्पेस में मौजूद एक स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर ले रहा था। हालांकि इस तस्वीर में हम वॉयेजर 1 मिशन को नहीं देख सकते, क्योंकि वह काफी फेंट है, पर हम इसके स्टार फील्ड को साफ साफ देख सकते हैं। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के एक्चुअल पोजिशन का अनुमान लगाने के लिए नासा ने अपने रेडियो ट्रैकिंग की मदद ली थी। 2006 में लॉन्च किए गए न्यू होराइजंस मिशन को स्पेस में अब 15 सालों का समय हो चुका है, पर अभी भी इसके सफर का अंत नहीं हुआ है। न्यू होराइजंस मिशन को एनर्जी इसके रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से मिलती है, जो कि प्लूटोनियम 238 के रेडियो डीके से निकलने वाले हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। RTGs का इस्तेमाल नासा के दूसरे डीप स्पेस प्रोब्स जैसे कि वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, पायोनियर 1 और पायोनियर 2 को पावर देने के लिए किया गया था। स्पेसक्राफ्ट में अभी भी काफी फ्यूल मौजूद है, जो कि 2030 तक इस मिशन को एक्टिव रख सकता है, पर ऐसा नहीं है कि इस मिशन का अंत हो जाएगा। धरती से संपर्क टूटने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल के आखिरी छोर तक अपना सफर जारी रखेगा। इसके वर्तमान स्पीड को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये स्पेसक्राफ्ट 2043 में हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लेगा।
ऐसे में आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज लाता रहूंगा। धन्यवाद।